नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर जो कि काफी क्रैश हो चुका है, मतलब काफी गिरावट में अभी मिल रहा है और स्टॉक्स लगातार नीचे फॉल ही कर रहा है। तो क्या इस स्टॉक शेयर को आपको बाय करना चाहिए, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, कई बार मैंने भी रिकमेंडेशन दिया था इस स्टॉक को बाय करने का, वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, ये कैम्स। तो कैम्स काफी बेहतरीन शेयर है, नो डाउट। देखिए, इतने बेहतरीन होने के बाद शेयर में इतना ज्यादा गिरावट क्यों देखने मिला है, तो इस रीजन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट के एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे। तो देखिए, मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है, मतलब एक मिड कैप स्टॉक्स है, डिविडेंड 0.88% का है, डिविडेंड काफी शानदार है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 31% है, कोई शेयर प्लेज नहीं है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग काफी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल प्लान, रिटर्न ऑन इक्विटी 40% से भी ज्यादा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डेट बिल्कुल जीरो है, कोई डेट है ही नहीं कंपनी के ऊपर। रिजर्व भी 410 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट भी 267 करोड़ का है। हर पैरामीटर्स पर देखते हैं कंपनी काफी सॉलिड है। अगर टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें, सेल्स यहाँ पर देखिए 2011 में मात्र 318 करोड़ का था, जहां से बढ़ के हो गया 674 करोड़। और प्रॉफिट देखिए मात्र यहाँ 51 करोड़ का था, जहां से बढ़कर हो गया 219 करोड़ का, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का इंक्रीज हुआ 27% से 40%। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है, 150 करोड़ से देखते हैं 410 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल 49 करोड़ का है, कंपनी के ऊपर डेट कभी नहीं रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो यहाँ पर देखिए लगातार कंपनी जनरेट की है और कैश फ्लो इंप्रूव भी हुआ है, मतलब लगातार कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है। और वहीं बात करें इन्वेस्टर का, इसमें प्रमोटर्स का स्टेक जो है सितंबर 2020 से कंपनी लिस्ट हुआ है और प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है, तो मतलब हर फंडामेंटल पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिड है। तो मतलब अगर इसमें कोई भी इंटरनल इश्यू नहीं है तो ये जो क्रैश होगा ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा। तो स्टॉक फिर क्रैश क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें IIFL जो है इसमें अपना स्टेक सेल किया है 373 करोड़ का। देखिए, अब इतना बड़ा स्टेक सेल होगा, न्यूज में आया, नीज में आने के बाद स्टॉक लगातार क्रेश हुआ। एक तो सेल करने से लगातार पिछले 3 महीने से सेल हो रहा है और स्टॉक न्यूज में आया क्रेश के बाद, मतलब सेल करने का स्टेक, तो लगातार स्टॉक में गिरावट देखने मिला है। क्योंकि तो स्टॉक जो लिस्ट हुआ था 1400 से स्टॉक में गिरावट भी देखने मिला था और 1400 से स्टॉक जो है लगातार मतलब वन साइडेड रन किया और 4000 का हाई बनाया। देखिए, ये स्टॉक मात्र 1260 रुपीज में मिल रहा था जब ये लो बनाया था और वहां से ये हाई बनाया 4000 रुपीज का। तो 4000 रुपीज का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक लगातार क्रैश हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा स्टॉक में जो भी इन्वेस्ट किए थे वो काफी अच्छा रिटर्न उनको मिला और रिटर्न मिलने के बाद यहाँ पर स्टेक सेल का भी न्यूज आया, साथ साथ काफी ज्यादा मतलब स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हो चुका था, यहाँ पर गिरावट देखने मिला। देखिए, आप बात करते हैं हम इसमें इन्वेस्ट कब करेंगे। देखिए, तब तक हम इसमें इन्वेस्ट ना करेंगे जब तक ये स्टॉक गिर रहा है, जब तक अपना ये ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता है और पूरी तरह से न्यूज इसमें कोई भी हो वो बाहर नहीं आ जाता है, जो कि चार्ट पे हमें दिखता है। देखिए, हम तो सिर्फ चार्ट को देखते हैं, चार्ट ये अभी बता रहा है कि अभी हमें निवेश नहीं करना है क्योंकि स्टॉक लगातार गिर रहा है। जैसे स्टॉक साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होने के बाद जैसे उस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, कभी भी यहाँ पर देखिए जैसे एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ऊपर की ओर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेकआउट आप ले सकते थे या गिरावट में जहाँ यहाँ साइडवेज स्टॉक हुआ यहाँ पर आप छोटे छोटे क्वांटिटी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कि स्टॉक अपना थोड़ा सा यहाँ साइडवेज मोमेंटम हो। तो हमारा स्ट्रेटेजी यही होगा, जब ये स्टॉक साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद ऊपर की ओर रेंज को ब्रेक करेगा तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, जब तक स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर लेता है तब तक आपको इसको अवॉइड करना है। साथ ही साथ तब तक में सारे जो इंटरनल इश्यू होंगे कोई अगर होगा तो वो बाहर आ जाएगा, आपको बस उसका वेट करना है इसके ट्रेंड चेंज होने का। यहाँ पर स्टॉक साइडवेज होगा फिर ऊपर बुलिश मोमेंटम दिखाएगा तो फिर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये निर्णय लेने में कि स्टॉक को अभी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी फिलहाल अवॉइड करना है, ट्रेंड जब चेंज होगा, ट्रेंड जब बुलिश होगा तब इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी ट्रेंड बेयरिश है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और जब परिवार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।